Hello everyone, welcome to the second lecture of electronics in which we will study p n junction. P n junction is also known as diode, literally meaning two electrode device. We will study its working, known as biasing, which is classified into two types, and we will also study the application of diode, known as rectification. तो पी एन जंक्शन डायोड इसमें डायोड दो इलेक्ट्रोड डिवाइस को कहते हैं जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को ज्वाइन करने पर बनता है और इसका काम होता है एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाना तो जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को ज्वाइन किया जाता है तो एक के दरमियान जंक्शन फॉर्म हो जाता है जिसको पी एन जंक्शन कहते हैं इस पी एन जंक्शन डायोड की बहुत सारी एप्लीकेशन है जिनमें से हम सिर्फ एक एप्लीकेशन इस चैप्टर में करेंगे पी एन जंक्शन की फॉर्मेशन पर एन टाइप जिसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी टाइप जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की एब्सेंस होती है एन टाइप से पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज करना शुरू हो जाते हैं क्योंकि एन टाइप रीजन में इलेक्ट्रॉन्स की हायर कंसेंट्रेशन है पी टाइप रीजन में इलेक्ट्रॉन्स की लोअर कंसेंट्रेशन होती है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जब जाते हैं पी टाइप की तरफ तो एन टाइप की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी होना शुरू हो जाती है उस तो साइड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जबकि पी टाइप रीजन में जहाँ इलेक्ट्रॉन्स होल्स में फिल हो जाते हैं तो वहां नेगेटिव चार्ज आ जाता है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन सारे होल्स को फिल नहीं कर देते थोड़े से सिर्फ पी एन जंक्शन के साइड पर इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकलते हैं और इस रीजन पर एक लेयर फॉर्म हो जाती है जो रेजिस्ट करती है और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने को और इस लेयर को डिप्लीशन लेयर कहा जाता है इस डिप्लेशन लेयर में पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होती हैं और इसकी वजह से इसमें एक पोटेंशियल पाया जाता है जिसको पोटेंशियल बैरियर कहते हैं इस पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू 0.7 वोल्ट्स होती है सिलिकॉन के लिए और 0.3 वोल्ट्स होती है जर्मेनियम के लिए अगर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं तो जीरो पॉइंट सेवन पर प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि कंडक्शन स्टार्ट हो सके लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी की अरेंजमेंट भी बहुत असर रखती है तो जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स की अरेंजमेंट पी टाइप और एन टाइप के लिहाज से करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो की बात की जाती है क्योंकि जब यहाँ पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को ज्वाइन करते हैं पी टाइप और एन टाइप के साथ तो करंट फ्लो तो भी हो सकता है और करंट रिजिस्ट भी हो सकता है और यही इस पी जंक्शन का काम है कि करंट को ये रिजिस्ट भी करवा सकता है और करंट को फ्लो भी करवा सकता है एक डायरेक्शन में इस करंट को फ्लो करवाया जाता है तो इसीलिए इस डिवाइस को हम इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से सेमीकंडक्टर्स को कंट्रोल किया जा सकता है और इस प्रोसेस को बायसिंग कहते हैं बायसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डायरेक्ट करंट को फ्लो करवाया भी जा सकता है और ब्लॉक भी किया जा सकता है और इस कॉन्सेप्ट को बहुत आगे तक पढ़ा जाएगा तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बायसिंग दो तरीकों की हो सकती है इसमें हम फॉरवर्ड बायसिंग भी कर सकते हैं और रिवर्स बायसिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर डिप्लेशन लेयर को और पोटेंशियल बैरियर को कंट्रोल किया जाता है डिप्लेशन लेयर को इंक्रीज कर देते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है और डिप्लेशन लेयर को अगर कम कर देते हैं तो रेजिस्टेंस कम होते होते, होते खत्म हो जाती है और इस तरह से पोटेंशियल बैरियर को भी चेंज किया जा सकता है दो किस्म की बाइसिंग है एक तो फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरी रिवर्स बाइसिंग फॉरवर्ड बाइसिंग में हम डिप्लेशन लेयर को कम करवाते हैं रिवर्स बाइसिंग में डिप्लेशन लेयर को बढ़ाया जाता है तो इस तरह से फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट फ्लो होता है और रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो नहीं होता तो फॉरवर्ड बाइसिंग में हम पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ पॉजिटिव टर्मिनल लगा देते हैं बैटरी की और एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ नेगेटिव टर्मिनल लगा देते हैं इस तरह से डिप्लेशन लेयर कम होती जाती है क्योंकि आपको पता है पी टाइप के पास नेगेटिव और एन टाइप के पास पॉजिटिव चार्जेस हैं नियर पी एन जंक्शन तो इस तरह से इसकी जो लेयर है वो कम होती जाती है जब हम 0.7 पॉइंट वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं लेकिन अगर पोटेंशियल बैरियर से कम वोल्टेज प्रोवाइड करें तो ये कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रॉन्स को और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होते इसमें डिप्लेशन लेयर कम होती होती जाती है और बिल्कुल खत्म हो जाती है जब जीरो पॉइंट वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड की जाती है और डायोड में कंडक्शन होती है अब यहां पर कन्वेंशनल फ्लो की बात की है तो यहां पर पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन हमने इस्तेमाल की है वरना अगर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट देखी जाए तो अपोजिट डायरेक्शन में होती है रिवर्स पाइसिंग में टर्मिनल्स को चेंज कर देते हैं पी टाइप के साथ नेगेटिव लग जाता है एन टाइप के साथ पॉजिटिव टर्मिनल लग जाता है बैटरी का तो इस तरह से जो पॉजिटिव है उसके साथ पॉजिटिव चार्जेस हैं नेगेटिव है उसके साथ नेगेटिव चार्जेस हैं पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होता जाता है और डिप्लेशन लेयर बढ़ती जाती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स और फ्लो नहीं हो सकते तो डायोड इंसुलेटर के तौर तो पर काम करता है इस तरह से ये कहा जा सकता है कि जो करंट है उसकी डायरेक्शन ब्लॉक कर दी गई है क्योंकि करंट तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाया जा सकता है सेमीकंडक्टर में तो इसीलिए सेमीकंडक्टर डायोड को यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो डिवाइस कहा जाता है चले अब डायोड की करेक्टरिस्टिक कर्व समझते हैं ये करेक्टरिस्टिक कर्व वोल्टेज और करंट को ग्राफ में बनाने का नाम है हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वोल्टेज बढ़ाने पर करंट कैसे इंक्रीज होता है और किस तरह से फॉरवर्ड और रिवर्स बासिंग होती है हम डायोड के लिए जो इलेक्ट्रिकल सिंबल इस्तेमाल करते हैं इट इज ऑफ प्ले साइन और उसके आगे एक बार लगा दिया जाता है ये बार नेगेटिव एन टाइप को रिप्रेजेंट करता है जबकि प्ले साइन से पहले जो एनोड होता है दिस शोज पॉजिटिव साइड और फिजिकली अगर देखें डायोड एक कलर का आता है वैसे मार्केट में और उसके अंदर एक सिल्वर लाइन होती है ये सिल्वर लाइन एन टाइप को रिप्रेजेंट करती है तो अगर हम ये प्रैक्टिकल करना चाहें हमें वोल्ट मीटर और एम मीटर की जरूरत होगी वोल्टेज और करंट नोट करने के लिए लेकिन ये वोल्ट मीटर तो स्टैंडर्ड यूज किया जा सकता है एम मीटर मिली में इस्तेमाल करना होगा क्योंकि करंट बहुत ही कम होता है ये प्रैक्टिकल कुछ कॉलेजेस में कराया भी जाता है लेकिन अब ज्यादातर कॉलेजेस में खत्म कर दिया गया है तो हम यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज करवा के देख सकते हैं कि कैसे करंट इंक्रीज हो रहा है और फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए हम पॉजिटिव को पी टाइप के साथ नेगेटिव को टाइप के साथ ज्वाइन कर देते हैं तो so, इस तरह से जो वोल्टेज नोट की जाती है ना होने के बराबर लेकिन जैसे ही जीरो पॉइंट सेवन वोल्ट जाते हैं तो ये पोटेंशियल बैरियर भी है सिलिकॉन का और फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लेन लेयर कम होती है पोटेंशियल बैरियर खत्म हो जाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स अब फ्लो करना शुरू हो जाते हैं और करंट बहुत बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है लेकिन रिवर्स बाइसिंग में ऐसा नहीं होता करंट फ्लो ही नहीं होता बिल्कुल लेकिन एक लिमिट तक कहा जाता है कि 100 वोल्ट से ज्यादा फॉर सिलिकॉन आ जाता है और सर्किट टूट जाता है एक तरह से जिसमें लेयर के इतनी ज्यादा हो जाती है कि अब वो और रेजिस्ट नहीं कर सकती इलेक्ट्रॉन को और आखिरकार सर्किट ऑन हो जाता है तो रिवर्स बाइस रीजन के लिए हम यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज देखेंगे और नेगेटिव साइड के साथ पॉजिटिव टर्मिनल लगाया जाता है पॉजिटिव साइड के साथ नेगेटिव टर्मिनल लगाया जाता है तो इसलिए यहां पर साइन इस्तेमाल होगा तो वोल्टेज हम यहां पर नेगेटिव एक्स एक्सेस में देखेंगे ना होने के बराबर करंट फ्लो होता है और यह शो करता है कि यहां पर करंट रेजिस्ट हो रहा है लेकिन एक वक्त आता है जब और रेजिस्ट नहीं हो सकता करंट वोल्टेज इतनी इंक्रीज हो जाती है कि अब ब्रेक डाउन आ जाता है और ये सिलिकॉन के लिए माइनस हंड्रेड है जर्मेनियम के लिए अराउंड फिफ्टी वोल्ट है जिसको ब्रेक डाउन वोल्टेज भी कहते हैं तो ये कर्व भी इसी तरह से होता है लेकिन लिमिट इसकी ज्यादा है तो इससे रिप्रेजेंट होता है कि पोटेंशियल इतना प्रोवाइड कर दिया जाता है तो रिवर्स बाइसिंग में भी कंडक्शन हो सकती है और इस फिनोमिना को यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ाया जाता है फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनर डायोड, जिस पर हम इतना गौर नहीं करेंगे तो चले आप एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं और डायोड की एप्लीकेशन में रेक्टिफिकेशन का टॉपिक हमने पढ़ना है वैसे तो डायोड की बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जिनमें स्विच के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है सर्किट को ऑन और ऑफ किया जा सकता है डायोड की मदद से लेकिन रेक्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं आपको याद हो ऑल्टरनेटिंग करंट में दो साइड बनती है पॉजिटिव साइड भी होती है नेगेटिव साइड भी होती है अगर इसकी वेव फॉर्म देखें तो पॉजिटिव साइड पे क्रेस्ट और नेगेटिव साइड में ट्रेफ्ट बनता है इस रेक्टिव ेशन के प्रोसेस से हम डायोड इस्तेमाल करके सिर्फ पॉजिटिव साइड अगर लेना चाहें तो वो ले सकते हैं और इससे अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट किया जा सकता है जिस करंट की सिर्फ एक डायरेक्शन होती है तो हमें पता है कि डायोड को जब फॉरवर्ड बायस किया जाता है तो वो कंडक्टर बन जाता है उसमें करंट फ्लो हो जाता है लेकिन जब इसको रिवर्स बायस किया जाता है तो उसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता कन्वेंशनल करंट सिर्फ आगे की डायरेक्शन में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता था नेगेटिव से पॉजिटिव में फ्लो नहीं हो सकता सो so, रेक्टिफायर दो किस्म की होती है हम यहाँ हाफ वेव भी कर सकते हैं रेक्टिफाई और फुल वेव भी कर सकते हैं रेक्टिफाई हाफ वेव में नेगेटिव हाफ कट ऑफ हो जाता है खत्म हो जाता है इसलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में हम पूरी वेव को इस्तेमाल करते हैं और पूरी वेव को कन्वर्ट कर देते हैं पॉजिटिव पल्सेटिंग वेव में रेक्टिफिकेशन का मतलब ही है कि वेव को कट ऑफ कर देना नेगेटिव साइड कट ऑफ कर देते हैं पॉजिटिव साइड सिर्फ रह जाती है और हाफ वेव यहाँ पर कैंसिल हो जाती है तो हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है यहाँ पर हम सर्किट में सिर्फ एक डायोड कनेक्ट करते हैं अब वोल्टेज और करंट इतनी ज्यादा तो रख नहीं सकते तो इसके लिए हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं और इस ट्रांसफॉर्मर से स्टेप डाउन करा दिया जाता है तो पहली वेव जो यहाँ पर फॉर्म होती है फर्स्ट हाफ ऑफ द वेव इसमें पॉजिटिव करंट आ रहा होता है या पॉजिटिव साइड इसकी होती है और जब इसमें पॉजिटिव साइड आती है तो पॉजिटिव टर्मिनल पर पी टाइप लग जाता है नेगेटिव टर्मिनल पर एन टाइप लग जाता है 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 इसकी वजह से फॉरवर्ड फॉरवर्ड हो हो जाती है और जब होती है, तो ये पहला हाफ साइकिल सिर्फ आगे फ्लो पाता है। लेकिन जब सेकेंड हाफ की बात की जाती है और बातेंड हाफ में नेगेटिव साइड आती है ये साइड तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल अब उलट जाते हैं ऊपर नेगेटिव टर्मिनल आ जाता है नीचे पॉजिटिव टर्मिनल आ जाता है जिसकी वजह से डायोड की जो पी टाइप है वो नेगेटिव साइड के साथ होती है तो नेगेटिव पी टाइप के साथ हो पॉजिटिव एन टाइप के साथ हो तो ये रिवर्स बाइसिंग हो जाती है तो इस वजह से जो सेकेंड हाफ है हर साइकिल पर कट ऑफ हो जाता है और इस तरह से नेगेटिव आउटपुट आउटपुट नहीं मिलता सिर्फ positive output मिलता सिर्फ पॉजिटिव है इस तरह से हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की जा सकती है लेकिन अगर हम हाफ वेव नहीं जाया करना चाहते तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन करवा सकते हैं और इसके लिए एक और डायोड लगा दिया जाता है सर्किट में चलिए एक और दफा इसको विजुलाइज करते हैं तो जब इनपुट हाफ वेव होती है फर्स्ट हाफ विच इज पॉजिटिव तो यहां पर फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाती है लेकिन सेकेंड हाफ विच इज नेगेटिव इसमें रिवर्स बाइसिंग होती है और करंट ब्लॉक हो जाता है फुल वेव रेक्टिफिकेशन में एक और डायोड लगा दिया जाता है नीचे की तरफ जहां पर ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ नेगेटिव टर्मिनल होता है तो इस तरह से जो नेगेटिव टर्मिनल है उसमें से भी नेगेटिव वेव को फॉरवर्ड बायस करवाया जा सकता है लेकिन नेगेटिव वेव को नेगेटिव साइड में नहीं रखते वो उलट जाती है और पॉजिटिव साइड बन जाती है पहला डायोड तो उसी तरह से काम करता है फर्स्ट हाफ को फॉरवर्ड बायस करके फॉरवर्ड कर देता है लेकिन सेकेंड हाफ को फॉरवर्ड नहीं करता रिवर्स बायस की वजह से ब्लॉक कर देता है जबकि दूसरा डायोड यहाँ पर पहले हाफ को रिवर्स कर देता है क्योंकि यहाँ पर पी साइड के साथ पहले नेगेटिव टर्मिनल आता है लेकिन जैसे ही नेगेटिव हाफ की तरफ बढ़ता है तो टर्मिनल चेंज हो जाते हैं नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है और पॉजिटिव के साथ पी टाइप लग जाता है जिसकी वजह से फॉरवर्ड बाइसिंग होती है तो नेगेटिव हाफ जब फॉरवर्ड बायसिंग होती है वो वेव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है तो इस तरह से दोनों साइड मिलती है वेव की लेकिन ऑन द पॉजिटिव साइड अब इसको विजुलाइज करके देखते हैं तो पहले हाफ में यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज आ रही होती है जिसकी वजह से फॉरवर्ड बायस होता है पहला डायोड और रिवर्स बायस होता है दूसरा डायोड क्योंकि ये सेकंड टर्मिनल से लगा है ट्रांसफॉर्मर के लेकिन सेकंड हाफ में पहला डायोड रिवर्स बायस हो जाता है तो करंट उसमें पास नहीं हो सकता दूसरा डायोड जिसके टर्मिनल्स उल्टे हैं तो वो उलट देता है करंट को सो तो इस तरह से सेकंड हाफ में भी करंट अपोजिट डायरेक्शन में हमें मिल जाता है विच इज पॉजिटिव डायरेक्शन नाउ तो बस यहाँ पर वर्किंग फर्स्ट डायोड की वही है जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर में थी सेकंड डायोड लगाने पर नेगेटिव साइड को उल्टाया जा सकता है ये पलट जाती है और नेगेटिव करंट यहाँ पर पॉजिटिव करंट बन जाता है तो चले आज के लिए इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांजिस्टर करेंगे जिसमें अब दो रीजन नहीं बल्कि तीन रीजन लगाए जाएंगे सेमी के और करंट को और ज्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है करंट को कंट्रोल ही नहीं सिर्फ एम्प्लीफाई भी किया जा सकता है उसके सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपना बहुत ख्याल रखें अल्लाह हाफिज